आए दिन डीजल पेट्रोल की जिस तरह बढ़ोतरी कर रही है, इनको ये देखना चाहिए कि आए दिन किसान मर रहे हैं, आम जनता कितनी परेशान है, उनके ऊपर आए दिन कर से कर लाद रही है। इनके जब भी चुनाव आते हैं तो सीधे ये पेट्रोल और डीजल की 2-4 रुपए की वृद्धि कर देते हैं। इसे साफ पता पड़ता है कि इनका जो पैसा पेट्रोल डीजल का आ रहा है वो सीधे बीजेपी सरकार के पास जा रहा है। अब तो इनको समझ जाना चाहिए कि अभी अगर ये ऐसा करने से बंद नहीं किया तो आने वाली जनता उससे कहेंगे जूते देगी। आज आपने इसके अलावा एमबीएस में जाने का प्लान है? एमबीएस में हम यहाँ आए दिन मरीज आते हैं एक आस लेके कि एमबीएस अस्पताल में हमारे इलाज हो। हाड़ौती संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे एसी खराब है, बेड नहीं है, पंखे नहीं है। जो मरीज आ रहे हैं वो अपने घरों से पंखे और कूलर लेके आ रहे हैं। हम अधीक्षक साहब को 3 दिन का अल्टीमेटम देंगे और कहेंगे अगर आपने व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो हमको यहाँ बैठे नहीं देंगे और आपका जो रूम है इसके एसी और पंखे हम मरीजों के कमरों में लगा देंगे। जो बेतहाशा बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल और गैस, पेट्रोल डीजल जब 50 रुपये डीजल और लगभग 60-65 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था, तब ये डायन बताया करते थे, 400 रुपये का गैस सिलेंडर आया करता था, तांडव मचा रखा था इन लोगों ने। आज गरीब जनता का जीना दुर्बर हो गया है, 870 रुपये का गैस सिलेंडर है और 85 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, 72 से 75 रुपये लीटर डीजल हो रहा है। आज इससे आम में खाद्य पदार्थों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और ये जो पेट्रोल पदार्थ है इसका पूरा ठेका अंबानी के पास है, तो सीधा सीधा हम मोदी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि वो पूरा पैसा अंबानी के घर में भरने के लिए आम जनता को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। ना तो मरीजों के लिए बेड है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना पंखे की व्यवस्था है, ना एसी है, ना पानी की व्यवस्था है। हम आपसे एक छोटी सी हाथ जोड़ी विनती कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द आप इस उदाहरण के लिए पूरी कर दीजिए। आप नहीं करते हैं, हम 3 दिन बाद दोबारा आएंगे, आपके यही पंखे और यही एसी खोल के हम सीधे बाढ़ में हमें लगा देंगे। हम मुकदमे से नहीं रहते हैं, पहले भी लगते आए, आगे भी लगते रहेंगे। हमारा कार्य आम जन के लिए है। द एजुकेटेड पर्सन गेट्स रिस्पेक्ट एवरीवेयर। It is the best manifestation that can change the whole world. With this thought, we are making responsible citizens. As it is truly said, the purpose of education is to replace empty mind with an open mind. LBS Senior Secondary School. Residential cum day boarding school. Best CBSE. Separate hostels, girls and boys. Vico Institution Area, Ranpur.